Now, we were reading how the king was unable to get the answers to his three questions, and he finally decides to go to a nearby hermit. एक hermit है जो कि जंगल में रहता है, तो वो decide करता है कि वो जंगल में जाके उस hermit से ही, उस संत से ही सारे सवाल पूछेगा, उस ऋषि से ही सारे सवाल पूछेगा. Then let us now read on. So the hermit lived in the wood, which he never left. So he lived in a wood. In a wood means in the forest, which he never left. जहाँ से वो कभी भी जाता नहीं था. He received none but common folk. तो किसी से वो मिलता नहीं था but common folk. Folk क्या होते हैं? लोग. आम लोगों से मिलता था, कोई भी high profile लोगों से नहीं मिलता था. So the king put on simple clothes and set out for the wood in which the hermit lived. Before reaching the hermit's hut, the king got off his horse and leaving his bodyguards behind, the king went on alone. तो क्योंकि वो आम लोगों से ही मिलता है, तो राजा ने आम लोगों की ही वेशभूषा धारण कर ली, and he dressed like a common man and he left his bodyguard behind, और खुद ही अकेले उस हर्मिट की तरफ, उस हर्मिट की जो हट है उसकी तरफ चल दिया. When the king approached the hermit's hut, the hermit was digging the ground in front of it. तो जैसे ही वो उसके झोंपड़ी के सामने पहुंचा, तो वो क्या कर रहा था? He was digging the ground. तो वो मिट्टी खोद रहा था. हर्मिट जो है वो मिट्टी खोद रहा था अपनी झोंपड़ी के सामने. Seeing the king, he greeted him. तो उसने उससे उसको greet किया, hello किया उसको, king को. जाहिर उसको पता नहीं कि वो king है, और अपने काम में बिजी हो गया. द हर्मिट वॉज लीन, थिन एंड वीक. बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक, बहुत ही पतला सा वो है हर्मिट देखने में. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्नड द लिटल अर्थ ही ब्रीद हैविली. तो क्योंकि वो इतना वीक सा था, बहुत ही ज़्यादा लीन था, तो थोड़ी ही बार वो जब वो डिग करता था अपनी स्पेड से. स्पेड क्या होता है? स्पेड इज़ अ टूल फॉर डिगिंग द ग्राउंड बेसिकली, जिससे आप खोदते हो. उस टूल को जैसे ही वो खोदता था, तो वो थोड़ी ही देर बाद थक जाता था बिकॉज ही वॉज रियली वीक. सो द किंग वेंट अप टू हिम. किंग उठा तो उसके पास जाके बोलता है, आई हैव कम टू यू टू आस्क आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस. तो मेरे ये तीन सवाल हैं, और वो तीन जो सवाल थे उन तीनों को वो रिपीट करता है और कहता है दैट मुझे इन तीनों सवालों के जवाब चाहिए. द किंग, द हर्मिट लिसन टू द किंग. तो हर्मिट ने चुपचाप सुना उसको, कोई जवाब नहीं दिया. एंड ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड बिगैन डिगिंग अगैन. तो उसने अपनी हथेली पे थूका और दोबारा से, स्पैट क्या होता है? स्पिट करना, थूकना, और दोबारा से शुरू हो गया अपने काम में. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर यू. अब उसको जवाब तो मिला नहीं अपने सवाल का, तो उसने सोचा चलो उसकी हेल्प कर दें. तो सोच और कहता है कि ओके, प्लीज़ मुझे दे दीजिए ये स्पेड और मैं आपका काम कर देता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. थैंक्स, सेड द हर्मिट. तो उसने बोला शुक्रिया, और अपनी स्पेड जो है वो राजा को पकड़ा दी. व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answers again, but he rose and stretched out his hand for the spade and said, "Now rest for a while and let me work a bit." तो जो राजा था उसने थोड़ा सा two beds, दो उसने क्यारियाँ सी जो है उनको dig किया, उनको खोदा, and उसके बाद उसने दोबारा से अपने सवालों को रिपीट किया. लेकिन फिर से हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, और इसके जवाब में क्या बोला? लाओ मुझे दे दो, अब मैं काम करता हूँ और तुम रेस्ट करो. द किंग डिड नॉट गेट एनी आंसर्स, द किंग डिड नॉट गिव द स्पेड एंड कंटिन्यूड डिगिंग टिल द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. दिन ढल गया, राजा काम करता रहा. द किंग एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, I came to you for answers.
to my questions. If you can give me none, tell me so. I shall then return home. तो शाम जब ढल जाती है तो उसने फाइनली उठा और उसने पूछा कि मैं ये सवाल पूछने आया था. इफ़ यू डोंट हैव द क्वेश्चन टू इफ यू डोंट हैव द आंसर्स टू माय क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो आई विल गो बैक मैं वापस चला जाऊँगा. हियर कम्स रन समवन रनिंग सेड द हर्मिट लेट अस सी हु इट इज़. तो तभी वो कहता है देखो कोई भागता हुआ आ रहा है चलो आओ देखें ये कौन है. द किंग टर्न्ड अराउंड तो जो राजा है वो मुड़ता है एंड जैसे ही मुड़ता है तो उसने क्या देखा अ बियर्डेड मैन अंडरलाइन करो इसको भी. He saw a bearded man running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. Then, when he came near the king, he fell fainting on the ground, crying with pain. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound on his stomach. The king washed it as best as he could. तो बड़ी अजीब बात हुई तभी जब जैसे वो मुड़े उन्होंने क्या देखा उन्होंने एक bearded man एक दाढ़ी वाला आदमी है वो भागता हुआ उसके जंगल से भागता हुआ उसकी हट में आता है और उसने अपने हाथ से अपना स्टमक जो है स्टमक क्या होता है पेट जो बेली है उसको ऐसे दबाया हुआ है एंड ब्लड इज स्टिल oozing आउट ऑफ इट. तो फिर भी जो ब्लड है वो बह रहा है उसके हाथ में से निकल के आ रहा है. एंड जैसे ही वो राजा के पास आया तो वो फेंट हो गया बेहोश हो गया और दर्द से कराते हुए बेहोश हो जाता है. वो जो राजा और हर्मिट है वो दे अनफैसन्ड द मैनस क्लोथिंग अनफैसन्ड मीन्स दे टुक ऑफ हिज क्लोथ्स उसके कपड़ों को उतारा उन्होंने एंड देर वॉज अ लार्ज वूंड ऑन हिज स्टमक और उसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म था. द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड उसने बड़े अच्छे से उसको साफ किया राजा ने देन बैंडेज लगाई उसके ऊपर विद द हैंकरचीफ एंड विद द टॉवल दैट द हर्मिट हैड. तो उन्होंने एक तौलिए और एक रुमाल की हेल्प से उसको अच्छे से बांध दिया ताकि जो बहाव है खून का वो रुक जाए. बट द ब्लड फ्लो वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन खून जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. द किंग अगैन एंड अगैन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वॉर्म फ्रेश ब्लड तो उसका लूक वॉर्म ब्लड जो है वो बहता ही जा रहा था और राजा बार बार उन पट्टियों को धो धो के उसको बांधता जा रहा था. वेन एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप फाइनली जब खून का बहाव रुका द मैन आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक तो उसको होश भी आ गया उस आदमी को और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to that wounded man.